भारतवर्ष में सदियों पुरानी प्रथा रही है स्वयंवर रचने की, और इसी खोई हुई परंपरा का देश के सामने फिर से परिचय कराया है इमेजिन परिवार ने और रचाया स्वयंवर राखी का। राखी ने एलेश को अपना जीवन साथी चुना है। कंग्रेचुलेशंस टू द बोथ ऑफ यू। राखी के स्वयंवर के बाद अपनी दुल्हन को घर ले जाने के लिए राहुल महाजन हो गए तैयार। स्वयंवर की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश की बेटी और आप सबकी लाडली रतन राजपूत ने बड़ी ही हिम्मत से फैसला लिया अपना स्वयंवर रचाने का। उसके लिए आए देश विदेश से होनहार 16 दूल्हे। दूल्हों को परखने के लिए रतन का साथ दिया कई मेहमानों ने और पूछे कई करारे सवाल। आई एम कंफ्यूज विथ यू एंड यू आर अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी। 1 लाख के दम पे मैं लड़की तो ब्याहूंगी नहीं आपके। अगर रतन की शूटिंग एवरीडे नाइट की हुई तो आप कैसे मैनेज करोगे? अगर रोज ही रात को शूटिंग हो रही है तो फिर शादी करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मेरा मानना है मैं हर चीज रतन से बात करूंगा क्योंकि प्रेरणा दोनों। कंपनी आपको बाहर नहीं देती तो हम आपको बेटी कैसे दे दे? आपको तो खुद सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर। रतन का दिल जीतने के लिए सभी दूल्हों ने की तमाम कोशिश। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, लेकिन रतन के दिल को भाए 3 दूल्हे। रतन की इन्हीं खुशियों में 4 चांद लगाने आए उनके परिवार वाले और कुछ खास दोस्त, और स्वयंवर का ये सफर इन 3 दूल्हों के साथ पहुंचा रस्मों और रिवाजों के दौर पे, जहां रतन ने लगाई अपने दूल्हे के नाम की मेहंदी और हल्दी और हुआ नाच गाना पूरे जोश के साथ। चुने गए 3 दूल्हों में से रतन चुनेगी किसी एक को अपना हम सफर, अपना जीवन साथी और पहनाएगी वरमाला, क्योंकि आज है फैसले की रात। नमस्कार, मैं राम कपूर आप सबका स्वागत करता हूं उस सफर में जो आज अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। जी हां, आज है फैसले की रात। आज मेरे सामने, आपके सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने रतन चुनेगी अपना जीवन साथी। अनुपम सिंह खुशवा, अभिनव शर्मा और दीपक पंडित, इन तीनों नामों में से कोई एक नाम रतन के नाम के साथ हमेशा के लिए आज रात को जुड़ जाए। कौन होगा वो, ये जानने के लिए हम सबको थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन फिलहाल मैं जानता हूं कि आप सबके अंदर काफी सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, रतन के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, रतन शादी करेगी या नहीं, रतन किसे चुनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। 2 दिन पहले अपने फैंस के सामने और प्रेस वालों के सामने
रतन ने आप सबके सवालों का जवाब दिया। तो आइए देखते हैं कि रतन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं रतन की कहानी रतन की जुबानी। रतन, ये स्वयंवर का सीजन 3 है जिसका नाम है रतन का रिश्ता। क्या हम इसमें रतन की शादी देख पाएंगे या फिर राखी की तरह टाटा बाय बाय? नहीं, मैं किसी की तरह कुछ नहीं करूंगी। मुझे जो लगेगा कि मेरे लिए, उस लड़के के लिए और सिचुएशन के लिए, हमारी नेशनल लव मैरिज नहीं कर रहे, हम प्लान कर रहे हैं। हमारा क्या प्लान है ये तो 3 तारीख को ही बताऊंगी, लेकिन हाँ कुछ प्लान तो है। 3 आखिरी दूल्हों में से कोई दूल्हा भी मुंबई का नहीं है, तो शादी के बाद आप दूल्हे के घर जाके रहने वाली कि दूल्हा आपके घर आके रहने वाला है? नहीं, मेरे घर तो बिल्कुल आकर नहीं रहने वाला है। ऐसा अलग अलग रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर नेचुरली एक है मुंबई में मेरा, और नेचुरली अगर वो जुड़ता है मेरे साथ तो वो घर से भी जुड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आकर मेरे घर में शिफ्ट करेंगे। ये थोड़ा सा गलत होगा ऐसा कहना। ये एक क्वेश्चन है कि वो क्या मुंबई में शिफ्ट होने का उनका प्लान है, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री महंगा प्लान है। अरे यार, मैं इंडस्ट्री पूरा तो दिल्ली में शिफ्ट नहीं कर सकती, या फिर मैं जम्मू में नहीं कर सकती, या फिर मैं पोलैंड कह लो या भिंड कह लो वो नहीं कर सकती। मैं थोपूंगी नहीं कि तुम्हें करना ही होगा। ऐसा ना हो कि कल को पछताए कि क्यों भैया एक्टर से क्यों शादी कर ली। बेटा, मान लो कि शादी के बाद आपके पति के अतीत के बारे में आपको कुछ ऐसी बात मालूम पड़ जाती है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी पर असर कर सकती है, तो उस समय आप कैसे रिएक्ट करेगी? मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रखती हूँ। एक है कि आप मान लेती हैं कि वो पास्ट है तो छोड़ दो ये बात को एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग विथ योर प्रेजेंट लाइफ। दूसरी बात, आप झगड़ा करेंगी उससे या घर छोड़ के चली जाएगी, या तीसरी बात आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं मनाऊंगी समझाऊंगी तो नहीं, और घर छोड़कर जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सच में वो अगर अतीत है, बीत चुका है, प्रेजेंट में उसका छाया भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सभी को अभी भी बोला है कि अगर कुछ ऐसा है बताने लायक, शेयर करने लायक, तो हम कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर सकती बिकॉज वो एक कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़के आए हैं उनको मालूम है कि मैं ही वो लड़की हूँ, तो उनको अगर ऐसा कुछ खास है लाइफ में जो बताना चाहिए तो अभी ही बता देना चाहिए। शादी के बाद फिर मैं चाहूंगी कि फिर शादी के बाद उसका जिक्र भी ना हो, क्योंकि वो तो पास बीत चुका है ना। आपके लिए ये कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहा है इस उम्र में अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुनना? बहुत डिफिकल्ट रहा है बहुत 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 ज्यादा। अभी अगर ऐसे करोगे तुम आप लोग शादी, तो सिर्फ अपनी फैमिली को जवाब देना होगा या पास पड़ोस को? मुझे तो सबको जवाब देना है, पूरी दुनिया को। और पता नहीं कैमरे पे कौन कितना सच बोलता रहा, कितना क्या किया, ये सारी चीजें आती रही है, तो मुश्किल तो होता ही है। काफी मुश्किल था मेरे लिए। गट्स चाहिए होते हैं इसके लिए, और इनमें बहुत गट्स हैं, और इसके लिए आई थिंक हैट्स ऑफ रतन वंस अगेन टू यू कि आपने इतनी ब्रेवरी दिखाई। और आंटी आंटी भी हैं यहाँ पे, सबकी आशीर्वाद है आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर कि ये आशीर्वाद बेकार नहीं जाएंगे। आप सबके सवालों का जवाब रतन ने दे दिया, लेकिन रतन के दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारे 3 दूल्हों के दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आने वाली जिंदगी में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों का जवाब इन लोगों को मिला जानी मानी टैरो का रीडर मेघा चौहान से। आइए देखिए। आपके लेफ्ट हैंड से 4 कार्ड उठाइए, लेफ्ट हैंड कहीं से भी। हाँ जी, अनुपम, कुछ समय से आप थोड़े कंफ्यूज हो क्या? आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए सही नहीं चल रही, जैसे आपको मून कार्ड आया है, तो इन चीजों से बाहर आ जाइए। 3 दिन में आपको सही रास्ता मिल जाएगा, और जैसे बता रहे हैं कि अब 3 दिन में पता चलना ही है कि आपकी दिशा क्या है, तो 3 दिन में आपको आपका रास्ता मिल जाएगा।
पर्सनली एक कुछ पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल। इसके पहले कोई ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप हुआ है? हाँ। और उसके बाद अब आप सिर्फ फ्रीडम से रहते हो, इसीलिए किसी चीज को आप लगा के नहीं लेते हो दिल से, जो हाँ, हुआ था पास्ट में? पास्ट में ये है, बात है। मैं हमेशा फ्रीडम से रहता हूँ। यू आर गेटिंग द एम्परर कार्ड, तो ये बता रहा है कि आगे आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव है। क्या रतन मुझे पूरी तरह से समझ चुकी है? बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। और आपसे ज्यादा आपकी फैमिली को पसंद करती है रतन? हाँ रतन, मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे मैच कर सकती है, करती है नहीं करती है? माय फैमिली सपोर्ट, क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी मम्मी काफी सपोर्टिव रहेगी। मैंने रतन को हमेशा कहा है स्टार्टिंग में शो से ही कि मैं पहले एंगेजमेंट करूंगा, एक टाइम आएगा जब मैं रिस्पांसिबिलिटी उठा दूंगा, उस टाइम पे शादी कर लेंगे, तो उसके क्या चांसेस होंगे? रतन विल बी योर लकी चार्म। तो अगर इनसे आप शादी करते हो तो इमीडिएट ग्रोथ आपकी हो जाएगी स्टार्ट। तो इसके बीच आप जो गैप रखना चाहते हो ये नहीं रखना। ये नहीं रखना जी, बिल्कुल भी नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे वो और मैं थोड़ा दोनों मेरे को लगता है सिमिलर हैं, थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, थोड़ा सा लड़ाई भी करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? इसी तरह से रहेगा। तो आपको जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा, अगर रतन डिसाइड करते आपसे शादी करना, शी विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट वुमन ऑन द अर्थ। थैंक यू। आपके लिए भी लकी चार्म रहेंगे। गुड। सो कार्ड्स आर फेवरिंग टुवर्ड्स मैरिज, कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी, फैमिली बहुत अच्छी रहेगी। जब उन्होंने ये बताया कि अगर रतन मुझे चुनती हैं तो शी विल बी द हैप्पीएस्ट गर्ल ऑन द अर्थ, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि जिस पर्पज से हम यहाँ आए थे कि रतन से अच्छी दोस्ती हो जाए, वो पूरी तरह से समझ जाए, वो भी हो गया है, और अगर वो मुझे चुनती है तो उनके हिसाब से मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगा, तो ये सुनकर मैं खुश हुआ। आपके साथ और एक कंपटीशन में एक इंसान है, तो तीन कंपटीशन है, लेकिन थर्ड को दो कॉम्पिटिशन टफ रहेगी। ठीक है, तो मतलब कॉम्पिटिशन दो में है? हाँ, दो में। ओके, एक तो मैं हूँ, बाकी पता नहीं दूसरा कौन सा। मेघा जी ने ये बोला कि रतन इस समय दो लड़कों के बारे में सोच रही हैं, जिनमें से एक मैं हूँ और एक कोई और है, तो ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो दूसरा बंदा दीपक हो सकता है। तो ये रतन के साथ शादी का क्या पूछ रहे हैं? मतलब चांसेस है शादी दिख रही है? यहाँ पर दिख रही है जी। कितने चांसेस? 85। कॉम्पिटिशन दो में लगने वाली है। दो में लगता है कि जो मैम ने दूसरा कंटेस्टेंट बोला कि जो मेरे बराबर का कंपटीशन रहेगा, मुझे लगता है शायद अनुपम होगा वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादी होती है नहीं होती है? यहाँ पे जो आपके बेसिक कार्ड मैंने देखे शादी के, जिसमें ये टू ऑफ कप्स है, मून कार्ड है, जो आप काफी कंफ्यूज हो, लेकिन उसके बाद आता है थ्री ऑफ पेंटेकल्स, तो ये बताता है कि आप बहुत जगह घूमने वाले हो, आप अब्रॉड ज्यादा सेटल होने के आपके चांस है, जो आपके कार्ड बता रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली वही होगी। रतन का भी मुझे पता है कि वो मुंबई में उसका काम है, वो वहीं रहना चाहती है, और जहाँ जिसका काम होता है उसको वही चीज अच्छी लगती है। फिर भी इससे दो लोगों के बीच की बात है, दो लोग कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हीं की दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने कराया कभी टैरो? कभी भी नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कुछ खेलने जा रही हूँ। बहुत सुंदर सा लग रहा है सब कुछ, कलरफुल कलरफुल। निकालिए 11 कार्ड लेफ्ट है। दो दिन में आप डिसाइड कर लोगे कि मैं किससे शादी कर रही हूँ। डिसाइडेड है आपके माइंड में कहीं पर, लेकिन आप उसे ओपन नहीं कर रहे हो। लिसन टू योर ऑकल्ट, अगर आप मुझे पूछोगे कि मेघा मैंने क्या करना है, तो आपकी अंतरात्मा जो आपको कहेगी ना, उसी की बात सुनना। जो भी मैंने सोच रखा है, जो डिसीजन लिया है, क्या वो हम दोनों के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी और सामने वाले इंसान के लिए भी? यू विल बी कंटेंट। 9 ऑफ कप्स एकदम सही है, एकदम सही है, खुश हो गया। सामने वाला इंसान मुझे समझ पा रहा है, समझता है? फिलहाल नहीं, यू आर गेटिंग डेविल। फिलहाल आपको समझ नहीं पा रहा है वो आपको सही, आपको मिलने के बाद ही समझेगा। उन्हें और 8 महीने लगेंगे आपको समझने के लिए, लेकिन समझेगा जरूर। जो भी इंसान वो है सामने वाला,
वो मुझे ही लाइक करता है ना जो, या कहीं ना कहीं से अभी भी वो सेलिब्रिटी वाला कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम है, वो अभी भी मुझे मतलब रतन को प्यार करता है या सेलिब्रिटी से।